गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 8 का हम शॉर्ट टाइप बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ समझा के बताना है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं इसका और इससे फोटो भी क्लिक करके भेज देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, सौराष्ट्र कोस्ट इज लोकेटेड इन। सौराष्ट्र कोस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये है आपका गुजरात में लोकेटेड है। कहाँ है? तो गुजरात में है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लान इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? नॉर्थन पार्ट क्या कहलाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लान का? तो गुजरात कोस्ट। विच ऑफ दिस इज नोन एज कोरल आइसलैंड, ये कहां पे? कोरल आइसलैंड कौन कहलाता है? तो लक्षद्वीप आइसलैंड। ये आप बुक में पढ़ चुके हैं कि इसको हम कोरल आइसलैंड भी, क्योंकि ये कोरल से बना हुआ आइसलैंड है। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज, अंडमान और निकोबार का कैपिटल कहाँ पे है? ये है पोर्ट ब्लेयर, या पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड इज, ये कहाँ पे है? कवरत्ती। अंडमान एंड निकोबार लैंड का मतलब अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल था पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप का था कवरत्ती। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ए मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड, क्या होता है? पेनिसुला, PENINSULA, पेनिसुला। द डैश इज द मिडल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लान, मिडल पार्ट क्या कहलाता है? तो एक था गुजरात कोस्ट था और फिर नीचे था बीच वाले को बोलते हैं कोक्कन, कोक्कन कोस्ट। लैगून्स आर फाउंड स्पेशली इन, लैगून्स स्पेशली कहाँ पाया जाता है? तो केरला में। द कोक्कन कोस्ट रन्स थ्रू, कोक्कन कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो गल्फ ऑफ खंभात टू गोवा, कहाँ तक है? गल्फ ऑफ खंभात टू गोवा। फिर ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इन ऑल साइड इज कॉल्ड एन, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड। फिर नेक्स्ट है, डैश इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, किसको? अरेबियन सी की रानी किसको कहा जाता है? तो कोच्ची को। ये आपका टिक द करेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, जिसमें फर्स्ट में क्वेश्चन, द कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया आर एज फर्टाइल एज द नॉर्थन प्लान, कोस्टल प्लान जो है मतलब फर्टाइल है किसकी तुलना में? तो नॉर्थन प्लेन्स की तुलना में। तो ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि कोस्टल प्लान जो है ज्यादा फर्टाइल नहीं है, नॉर्थन प्लेन्स ज्यादा फर्टाइल है। द कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, कोस्टल प्लान जो है इंडिया का इसको डिवाइड किया गया कितने पार्टों में? तीन भागों में। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि दो भागों में बांटा गया, किसमें? तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट को तीन भागों में बांटा गया है और वेस्टर्न भाग को दो भागों में। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर ए ग्रुप ऑफ 300 आइसलैंड, ये ट्रू है, 300 है और ये मोर 300 आइसलैंड है, तो इसलिए ट्रू भी है, क्योंकि 300 है, 300 से ज्यादा भी है। सेलुलर जेल सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज नोन ए नेशनल मॉन्यूमेंट, यस ट्रू। ऑल द आइसलैंड इज लक्षद्वीप आर थिकली पॉपुलेटेड, फॉल्स, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे अब ये फिफ्थ नंबर तक ही है ये क्वेश्चन, ये था आपका इसका, और इसका तो है नहीं, सिक्स नंबर का चिल्का लेक इज इन आंध्र प्रदेश, फॉल्स, क्योंकि चिल्का लेक कहाँ पे है? ये है आपका ओडिशा में। नेक्स्ट आपका मैचिंग, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, जिसमें लक्षद्वीप का दिया हुआ है, तो लक्षद्वीप का इधर है क्या क्या है? पुडुचेरी, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती,
और आइसलैंड क्लोज टू गुजरात। तो लक्षद्वीप से यहाँ पे देख करके लगता है कवरत्ती, तो लक्षद्वीप का कहाँ पे है कैपिटल कवरत्ती। ये क्या है, ये बस ये आपका अरविंदो आश्रम था, AURUBINDO अरविंदो आश्रम। ये कहाँ पे है, सेकंड नंबर का होगा पुडुचेरी, पांडुचेरी में था, इसलिए ये होगा आपका पांडुचेरी। मालाबार कोस्ट का क्या होगा, मालाबार कोस्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर में, नहीं नहीं पोर्ट ब्लेयर नहीं, क्योंकि ये कोच्ची में है। मालाबार कोस्ट कहाँ पे था, कोच्ची, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर तो आपका अंडमान एंड निकोबार का ये है कैपिटल। दीव, दमन और दीव था ना, ये आइसलैंड है जो गुजरात के नजदीक है। तो इसका आंसर ये हुआ, और क्वेश्चन आंसर आपको बहुत जल्द मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, हम हो सकता है मिस्टेक हो जाए हमसे भी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। क्योंकि क्वेश्चन जो ये है हमको थोड़ा लग रहा है कि द कैपिटल प्लान्स ऑफ इंडिया, नहीं द कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया आर एज फर्टाइल एज द नॉर्थन प्लान्स, तो हम आपको ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।